फॉर एल्विश मांग रहे हैं, लेकिन जस्टिस फॉर सांप नहीं मांग रहे हैं, जस्टिस फॉर नेवला नहीं मांग रहे हैं। ये तो गलत बात है बहुत। क्या इंसानों की कीमत है सिर्फ, जानवरों की कोई कीमत नहीं है? नेवले के लिए जस्टिस नहीं मांग सकते आप लोग? आपकी है हिम्मत तो डालो, जस्टिस फॉर नेवला, जस्टिस फॉर और सांप। भाई चाइना में तो सांप पकड़ के खा जाते हैं। हाँ, वहां तो लोग चलते फिरते क्राइम कर रहे हैं बैठ के, जहर का पूरा निगल ले रहे हैं बैठ के अंदर। तो क्या पता एल्विश एल्विश को पता लगी हो कि इंडिया और चाइना का युद्ध होने वाला है, और एल्विश तैयारी कर रहा हो कि अगर उन्होंने सांप छोड़ दिए तो मैं सांपों का जहर निकालने पे मैं रहूंगा सर सबसे, मतलब सांप आते रहेंगे और मैं एक करके जहर निकालता रहूंगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है। निमो सर, आपको एक बात पता नहीं है, लेकिन आज तक के कई लोगों का वैक्सीन के ऊपर पूरा 100% ट्रस्ट रहा नहीं है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, कोविड के टाइम पे एल्विश बहुत एक्टिव था, और हो सकता है कि वो एक ऐसी वैक्सीन पे काम कर रहा हो जो 100% इफेक्टिव हो कोविड प्रिवेंट करने के लिए, और शायद वहाँ पे ये यूज़ होता हो। तो कोई कोई उस चीज़ का कोई भरोसा नहीं कि ये इतनी मतलब काम की चीज़ है। वो ज़रूरी थोड़ी है कि कोई गलत चीज़ के लिए यूज़ करेगा। आपने बेनिफिट ऑफ डाउट तो देना और भाई चाहिए सांप के उसको। जहर से नशा कैसे होगा? कोई सांप के जहर खाएगा तो मर जाएगा ना अमन उपाध्याय। सीधी बात आप है। बताओ अमन उपाध्याय, नहीं, नीमू भाई, विनायक आप नीमू बताओ, भाई, आप सही कह रहे हो। विनायक मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप सांप का जहर से नशा होगा कि आप मरोगे? विनायक आप ये बताओ पहले। अगर ज्यादा क्वांटिटी में जैसे डाल दिया कि सांप ने जहर, तो मर ही सकते हैं। कम क्वांटिटी में? मतलब जैसे ड्रग्स की तरह भी यूज करते हैं इसे बाहर अरे तो सांप का फॉरेन जहर, अगर किसी को ड्रग्स यूज करना होगा तो वो सांप का जहर क्यों लेगा? वो तो कोकेन में। खरीद लेगा ना भाई। नहीं, सबकी प्रायोरिटी होती है ना अपनी, जिसको जैसे वो अरे स्मैक खरीद लेगा, कोकीन खरीद लेगा, बहुत कुछ चीजें हैं एलएसडी भाई, खरीद सांप लेगा का जहर क्यों भाई। खरीदेगा? अच्छा थॉमस शेल्बी कुछ बोलना चाहते हैं, थॉमस शेल्बी आप बोलो। नीमो भाई, आप कब तक एल्विश के भाई के नाम की दुकान चलाओगे? आप एलविश कब तक भाई के नाम की चलाओगे? दुकान, हाँ, जब तक आप आते रहोगे? तब तक मैं आता रहूंगा। तो मैं कल भी तो मैं कल से नहीं आऊंगा, तो आप कल से नहीं चलाओगे फिर? बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, तो आप मैं नहीं, देखने तो बताना कि चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, मैं फिर जाता हूँ। आप अभी बंद कर दीजिए जी फिर। हाँ तुम जाओ, मैं बंद कर दूंगा। नहीं, पर तुम थॉमस शेल्बी जाओ भाई, मैं बंद कर दूंगा, लेकिन जैसे ही तुम आओगे मैं फिर चालू कर दूंगा। जाओ अरे तुम गल्ला तो भाई गिन लेने भाई दे, अरे गल्ला तो गिन लेने दे निम्मो निम्मो भाई, भाई को, बिल्कुल गल्ला खाली हो गिन के क्या उसके आप? बाद जाएंगे। आपके पास कुछ काम धंधा नहीं ये है क्या? देखो, ये बिहारी बिहारी थोड़ी देर पहले एल्विश का फैन बता रहा था खुद का, और अब गमले की बातें कर रहा है, मॉक कर रहा है तुम्हारे एल्विश को। और अच्छा ये थोड़ी लेकिन देर पहले बोला था थॉमस एल्विश भाई का मेरा तो फैन ही है। सीरियस क्वेश्चन है कि सांप एल्विश के कौन जहर पे, यार? एल्विश एल्विश थॉमस भाई मेरा आपसे सीरियस क्वेश्चन है कि सांप के जहर पे सजा क्यों? देखिए, ये गुनाह तो है, बट अभी वही तक तो प्रूव यार, नहीं हुआ है, तो आप तब दिक्कत तक आ क्यों धैर्य रही रखिए है? थोड़ा सा। आप में थोड़ा धैर्य रखना चाहिए आपको थोड़ा सा, अरे जब तक एल्विश यात्रा में धैर्य रखा था जब रिया चक्रवर्ती अंदर गई थी, आर्यन खान अंदर गया था, ये तो फिर दोनों बहन के लौड़े कौन है? अगर उन्होंने गलती की तो क्या आप वही गलती आप भी दोहराएंगे फिर? अरे तो आपने बोला था एल्विश यात्रा में नहीं, आप समझाया बताइए था, मुझे, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, तो आप बता दीजिए मेरे को। मतलब आपने बोला था उनको, अगर उन्होंने गलती की तो आप उस गलती को उन्होंने गलती दोहराएंगे? की आप तो मान रहे हो? मतलब आप मानते हो कि आप खुद एल्विश यादव के पद चिन्हों पे चल रहे हैं? मतलब आप अभी उन्होंने गलती, अरे आप तो उनके खुद उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं? अरे अगर तो मैं अगर तो वो अरे चीज आप उन्होंने मानते हो ना की, अरे मैं तो एल्विश आदमी यार का रिटायर्ड एल्विश ऑफिसर की, हूं। सुनो नीमो सर, ये पद चिन्हों की बातें कर रहे हैं। मेरे को रिपोर्ट आई है सूत्रों से कि जेल में वो खुद अपने पद पे नहीं चल पा रहे, जैसी हालत पुलिस ने की है। आप क्या पद चिन्हों की बातें कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे? आपने खाना खाया ना देखिए, आज? आपने खाना खाया ना आज? आपने खाना खाया आज? अच्छा, ये आप आपने बताओ, खाना खाया आपने आज? खाना खाया थॉमस? मैंने बिल्कुल खाना खा लिया है। एल्विश ने नहीं खाया, को जिसकी एल्विश डीपी ने आपने नहीं लगाई खाया उसने थोड़ी से एल्विश ने खा। खाना नहीं खाया, उसके मम्मी पापा ने मतलब खाना नहीं खाया। आप देखिए, मुझे नीमो भाई आपसे थोड़ा क्वेश्चन कर लूं। मैं वैसे भी नहीं गाली क्वेश्चन गलौज मैं करता करूंगा नहीं। आपसे। हाँ, तो एक आप करिएगा, देख मैं भी करूंगा फिर। अरे यहाँ पे कोई ठीक क्विड प्रो क्यू है, थोड़े ना ठीक है चल रहा नीमो है। सर, करने दो ना, मेरे से कर लेना, हाँ, मेरे मैं से कर अजीत लेना भाई उस से पे कर लूंगा, ना। कोई बात नहीं। लेकिन मैं हाँ पूछ रहा ठीक हूँ है, पहले आपने नीमो खाना, भाई एजिटेश आपका मेरे को एक क्वेश्चन। बार पूछने दे, आपने खाना क्यों खाया आज? क्योंकि मुझे खाना था और मुझे भूख लगी थी, वो मेरी नेसेसिटी है, तो मैंने खा आपने लिया। एल्विश के बारे में सोचा? बिल्कुल सोचा क्या सोचा? कि उसने खाना खा लिया होगा, तो इसलिए मैं भी खा लेता हूँ। नहीं खाया ना उसने खाना, उसकी मम्मी पापा आज बोले थे उन्होंने 3 दिन से नहीं खाया। वो आज उन्होंने खा लिया होगा, पर मुझे, नहीं खाया? मैं आशावादी इंसान हूं, मुझे लगता है उसने आज खा लिया होगा, इसलिए मैंने खा लिया। आप अपनी आपने जिंदगी क्या में खाया था आशावादी उसके साथ? होंगे कि आप भी?
आपने क्या खाया मेरा आपसे बस एक छोटा सा सवाल। नहीं हम मैंने तो दाल और चावल खा लिए। किसकी दाल और एल्विश ने, एल्विश ने सूखी रोटी खाई, आपने उस चीज का ख्याल किया या बस याद किया आपने? ये बताओ आप जमीन पे सोते हो या बेड पे सो रहे हो आप? नहीं मैं वैसे जमीन पे ही सोता हूँ, वैसे भी मुझे अच्छा लगता है जमीन पे सोना। आप भी जेल में हो क्या? नहीं मैं जेल में नहीं हूँ, मैं घर पे हूँ और मुझे जो जमीन से सटके सोना थोड़ा अच्छा लगता है, मेरी बॉडी को ज्यादा कंफर्ट मिलता है इससे, इसलिए। तो भाई वो वाला अच्छी बात है, बॉडी को कंफर्ट मिलता जमीन है से सट। जी 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 भाई उसमें खतरा रहता है, सांप घुस जाता है। जमीन पे मत सोया करो, बेड पे सोया करो, क्योंकि कीड़े मकोड़े सांप वाप घुस जाते हैं। तो फिर आप शायद, मुझे लगता है हवा में चलते होंगे, आप पैर फ्लोर पे तो रखते ही नहीं होंगे, हवा में ही चलते होंगे। फिर ऐसे सोचो तो मैं फिर चल भी नहीं सकता हूं ना अपने फ्लोर पे भी। अरे सोते वक्त ज्यादा खतरा नहीं, रहता है नहीं यार। भाई होता है, नहीं वो देख बोल रहे भाई तोमस भाई, आप एलवी जब आप सो रहे हो तो आप आंख खोल के सोते हो कि आंख बंद करके सोते हो? जब सोते हो तो हम कॉन्शियस नहीं रहते हैं ना, चलते हैं तो हम कॉन्शियस माइंड के साथ चलते हैं, इतना तो आपको पता होगा। तो मैं वही कह रहा हूँ, आप अगर आप सो रहे तो बचपन में निमो सर आपको डर लगता था, मैं तो आंख बंद करता हूँ ना, मुझे हमेशा डर लगता है ऊपर से छिपकली तो नहीं गिर जाएगी मेरे ऊपर, तो कॉन्शियस नहीं रहता है भाई माइंड। आपको नहीं पता आप जमीन पे सो रहे हो तो कौन सा सांप कहाँ तक घुस जाए अंदर आके, तो आपको ऊपर ही सोना चाहिए, जमीन पे मत सोइए। नहीं मैं थोड़ा जमीन पे सोना ही पसंद करता हूं। मैं आपको बता रहा हूँ, जमीन पे खट्टर साहब जमीन पे सोते थे, एक दिन पहले उन्होंने ये बात मोदी जी ने शेयर की, अगले दिन उनको हटा दिया सीएम के पद से। तो जमीन पे सोने वालों को जमीन पे ही लेके आ जाते हैं लोग, तो आप मत सोया कीजिए जमीन पे, आप ऊपर सोया कीजिए। अच्छा मैं एक बार प्रीत के पास जाता हूँ, फिर अंकित भाई के पास जाएंगे। प्रीत आप क्या बोलना चाहते हैं? जी भाई, भाई एक तो मैं आपके ट्वीट्स एंजॉय करता हूँ, और जितेश भाई का भी, मैंने जब मुनावर हुआ था स्पेस में आया था आपका, तब सुना था पहली बार। और मैं एक बोलना चाहूंगा एल्विश के बारे में, ये तो हमने देखा ही है कि बीजेपी जिसको भी एक बार खड़ा करती है उसको फिर नीचे तो वो लेकर खुद ही आती है, चाहे वो कुछ भी हो दिखाने के लिए कि हमसे बड़ा नहीं है कोई। प्रीत भाई से हाँ जी, मैं पांच निमो सर मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, वरना मेरा बाप मेरा सिस्टम हैंग कर देगा। मुझे 10 मिनट का टाइम दो, ठीक है? तो बनाने से बोलो बोलो प्रीत क्या बोल रहे थे बोलो। बोलो प्रीत, अनम्यूट करके खुद को। ठीक है प्रीत नहीं बोलना चाहते हैं, हम अंकित भाई के पास जाते हैं। अंकित भाई आप क्या बोलना चाहते हो इस चीज पे? क्या हाल है भाई लोग? बढ़िया है, आप बताइए यार। हम लोग एल्विश एल्विश किन किन की बात कर रहे हो? बेचारा सोना वांगचुक 14 दिन से भूखा पड़ा है, ये 4 दिन में क्या उखाड़ लिया इसने भूखा रह गए? नहीं वो तो है, वो अपनी मर्जी से भूखे पड़े हैं ना सोनम वांगचुक, यहाँ एल्विश को तो एल्विश को कौन सा जबरदस्ती किसी ने भूखा मिला है? जेल का खाना मिल रहा है उसको? उसको मनपसंद खाना नहीं मिल रहा है ना। अब यार मनपसंद मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं अमेरिका चला जाऊं, मैं नहीं जा पा रहा। तो नहीं खाना तो क्या खा सकते हो ना मन